हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल नैना बुटीक में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर आपको सिखाने वाले हैं पैंट की कटिंग किस तरह करें। तो दोस्तों, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैं आपको कटिंग करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमने कपड़ा लिया है, ये लिया है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं सबसे पहले नाप। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा नाप है वो है, पैंट की जो लंबाई है वो है 38 इंच, कमर है 35.5 इंच, हिप है 37 इंच, और जो रान है यानी थाई वो है 24 इंच, और मोरी है 15 इंच, ठीक है। अब इस नाप को हम यहाँ पर रख लेते हैं, इसको आप नोट कर लें क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमने यहाँ पर इसको उल्टा करके कपड़े को बिछा लिया है। इसका जो अंदर का भाग है वो है सीधा, और जिधर हम निशान लगाएंगे वो है उल्टा, ठीक है। हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो दोस्तों एक हमें चाहिए है गुनिया फंटी, एक चाहिए है शेप फंटी, और एक चाहिए है फुटा, चौक प्लस कैंची, और यहाँ पर इंची टेप, ठीक है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर एक निशान लगाएंगे सीधा करने के लिए, जो हमारा आड़ टेढ़ा कपड़ा है उसे हम सीधा कर सकें, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक निशान लगा देते हैं, और यहाँ पर हमें करीब 1 इंच हटा के और कपड़े को निशान लगाना हो कपड़े पे। तो दोस्तों, इस तरीके से हम एक निशान लगा देंगे, एक यहाँ लगाएंगे, चलो। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इसकी लंबाई हम रखेंगे वो यहाँ से जहाँ हमारा निशान है यहाँ से 1 इंच ऊपर को निकालेंगे, और यहाँ पर हम जो भी हमारा आपका साइज हो उस हिसाब से आप रखें। यहाँ पर हमारी पैंट की जो लंबाई है वो 38 इंच, तो 38 पर लगा देंगे, 2.5 इंच लगाएंगे, और जो अंदर को फोल्ड होगा तुरपाई के लिए, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पर इसी तरीके से इंची टेप रखा रहने देना है, इसी प्रकार जैसे हमने लंबाई नापी थी। उसके बाद हमें नापना है इसकी लटक, ठीक है। तो लटक हम किस हिसाब से रखेंगे, तो दोस्तों लटक रखेंगे हम हिप के हिसाब से। तो दोस्तों, इसकी जो हिप है वो है 37 इंच, ठीक है। तो हम 37 को 4 भाग में कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 37 का चौथाई हो गया, वो हो गया 9.25 इंच, ठीक है। तो हमने यहाँ 9.25 इंच पर निशान लगा दिया है। दोस्तों, हमने यहाँ 9.25 इंच पे निशान लगा दिया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर निशान जो भी लगाएं लटक का, तो आप हिप की चौथाई से लगा दें, ठीक है। लंबाई, और ये हम लंबाई के हिसाब से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपनी पॉकेट का साइज रखना है, वो रखना है 7.25 इंच, और जो हम अपना इसका साइज रखेंगे यहाँ पर चौड़ाई का, वो रखेंगे 2.5 इंच, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर स्केल से एक निशान लगा देंगे इस तरीके से, और हमें यहाँ इसका पॉकेट का साइज रखना है, तो हम यहाँ ऊपर से एक निशान लगाएंगे, यहाँ टांकी बांध देंगे, ठीक है, 7.25 इंच पे। उसके बाद यहाँ पर हम 6 इंच पे हमारा जो मुंह का साइज होगा पॉकेट का वो होगा 6 इंच। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लटक का निशान लगाना होगा सबसे पहले। मैं एक चीज का आपको और कर दूं, अगर आप यहाँ पर इसको क्या नाम है लटक, अगर ऊपर निकाल के जब रखेंगे चौथाई करके, अगर आप लटक लूज पहनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको नीचे से भी नाप के चौथाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे थोड़ी लटक लूज हो जाएगी आपकी। अगर आप फिटिंग की बिल्कुल लटक पहनना चाहते हैं तो आप यहाँ से ही 1/4 इंच चौथाई रखेंगे, ठीक है, 1 इंच ऊपर निकाल के। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर नीचे निशान लगा देंगे लंबाई का एक, और नीचे 2.5 इंच जो मोरी फोल्ड होता है। उसके बाद में हमारे जो यहाँ पर थाई है यानी रान, ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं रान क्या होती है, भाई थाई होती है रान, थाई को रान बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 24 इंच है हमारी, 24 इंच है हमारी रान, तो हम 24 का हाफ कर लेंगे, 24 का हाफ होता है 12 इंच, इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ 1.25 इंच रखेंगे हम फलाई की गहराई, ठीक है। फिर यहाँ पर हम 1/2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ेंगे, और हमारी जो कमर है वह है 33.5 इंच, ठीक है। तो हम 33.5 का चौथाई कर लेंगे, तो 8 × 32 = 33, तो 8.25 एक सूत हमारा रहेगा 33.5 का चौथाई, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से स्केल से निशान लगा देना है, और यहाँ पर राउंड कर देंगे, जहाँ से हमारी गोलाई शुरू होती है यहाँ से हम उससे हल्का सा ऊपर करके एक कट का निशान लगा देंगे, जहाँ से हमारी फलाई लगेगी। और दोस्तों, हमें यहाँ पर जो अपना सामना डाउन करना है नीचे को, वो करना है 1/2 इंच, तो हम यहाँ से मिला के रखेंगे और यहाँ सामने को यहाँ पर डाउन कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों, हमारे जैसे हमने ऊपर थाई नापी थी 24 इंच, तो वैसे ही हम 24 का हाफ कर लेंगे, और नीचे भी यहाँ पर 12 इंच पे निशान लगा देंगे, और एक बीच में लगाएंगे 12 का हाफ 6 इंच, ये हमारा क्रीज का निशान है, ठीक है। अब हम इस तरीके से यहाँ पर लगा लेंगे 6 इंच, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से इंची टेप रख के, आप चाहें तो निशान लगा सकते हैं, वरना कोई बात नहीं,
ठीक है, आप ऐसे भी बगैर निशान लगाए भी, खाली एक एक निशान लगा के भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको पूरा निशान लगा के आपको बताते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर मोरी है 15 इंच, तो हम यहाँ क्रीज से 15 का हाफ कर लेंगे। तो दोस्तों 15 का हाफ होता है 4.25 इंच और यहाँ पर होता है 7.5 इंच, ठीक है, 15 का हाफ। अब हमें क्या करना होगा, अब हम यहाँ इस तरीके से यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, ऊपर से मिला के रखेंगे यहाँ जहाँ से हमारी लटक है, और यहाँ नीचे इस तरीके से मिला देंगे और यहाँ पर लगा देंगे निशान। यहाँ हल्का सा क्रॉस करेंगे, फिर इसी तरह हमें यहाँ पर लगा देना है और यहाँ पर हल्का सा क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर निशान लगा लिए हैं, निशान लगाने के बाद में अब हम इसकी करते हैं कटिंग। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर सामना कट हो चुका है, अब हमें इसको उठा कर रख देना है और अपने इस वाले कपड़े को बिछाएंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कपड़े पे अपने सामने को बिछा दिया है, यहाँ से जो अब सामने का अपने गैप रखेंगे वो रखेंगे करीब 4.5 या 4 इंच, ठीक है। अब इस तरीके से हम यहाँ पर इसके नीचे लंबाई वाला निशान लगा देंगे जहाँ लंबाई का है, फिर हम यहाँ पर लगाएंगे एक लटक का निशान, ठीक है, जहाँ लटक की सीध वाला, और करीब 1.25 इंच अपने बैग को उठा देंगे। तो हमने यहाँ पर 1.25 इंच अपने बैग को उठा के और निशान लगा लिया है, ठीक है। अब हमें नीचे सबसे पहले मोरी में यहाँ पर निशान जो लगाना है वो 1.25 इंच का लगाना है सामने से बैग में। अब हमें ऊपर निशान लगाना होगा यहाँ पर 1.25 इंच का, ठीक है, यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन देंगे और उसके बाद में अपनी कमर का चौथाई कर लेंगे। तो हमारी कमर है 3.5 इंच, तो इसका होता है 1.25 सूत। 1 इंच देंगे पीछे परेट के लिए, 2.5 इंच देंगे पीछे सीट के लिए, जुड़ाई के लिए। अब दोस्तों हमारी जो यहाँ पर हिप है तो हम बिल्कुल 20 सेंटर में हिप का यहाँ पर निशान लगा देंगे और हम यहाँ पर हिप का चौथाई कर लेंगे। तो दोस्तों हमारी जो हिप है वो है 37 इंच, तो हम यहाँ निशान लगा देंगे 1.25 इंच का, 1/2 इंच और लगा देंगे क्लोजिंग के लिए। अब हम इसको इस तरीके से एक निशान लगा देते हैं और यहाँ दे देंगे गोलाई। उसके बाद में हमें इस शेप फंटी से यहाँ पर निशान लगा देना है इस तरीके से, यहाँ हल्का सा क्रॉस करेंगे। बाकी का हमारा जो करीब 1.5 इंच का मार्जिन है इसको हम इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा देंगे। ये इसलिए छोड़ते हैं कि अगर हमारी रन टाइट वगैरह हो जाए तो हम यहाँ से लूज कर सकें। अब दोस्तों हमारे यहाँ पर निशान कंप्लीट हो गए हैं, अब इसको हम कर लेते हैं कटिंग। तो दोस्तों हमारी यहाँ पर पेंड हो चुकी है कटिंग, फिर भी अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।